हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनुराग अरोड़ा। स्वागत है हमारे चैनल पर। चलिए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रेस्पिरेशन कर लिया, न्यूट्रिशन कर लिया, अब हम कर रहे हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो पहले बात आती है व्हाट इज़ द नीड फॉर ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत ही क्या है, प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो, मे बी वी ह्यूमन बींग्स, हमें नीड क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हमारे पास अलग अलग ऑर्गन है स्पेशलाइज्ड नीड्स के लिए। जैसे कि हमने न्यूट्रिशन में देखा, डाइजेशन में देखा, ग्लूकोज अल्टीमेटली ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज कहाँ पहुँच चुका था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आ गए। ऐसे ही ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज के लिए लंग्स के एल्वियोलाई है ना। तो ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँच गया, लंग्स के एल्वियोलाई तक तो पहुँच गया, रेस्पिरेशन से हमें पता था, ब्रीथिंग से, सॉरी, ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँच गया। ग्लूकोज जो है इंटेस्टाइन के सेल्स के पास है, लेकिन हमारे बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, हर एक सेल को ग्लूकोज चाहिए, तो ये तो प्रॉब्लम है। जबकि हमारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो तो पर्टिकुलर लोकेशन पर लोकेटेड है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसी लोकेशन पर है, तो ग्लूकोज यहाँ पहुँच गया, ऑक्सीजन ठीक है एल्वियोलाई के पास पहुँच गया, ये तो लोकलाइज्ड ऑर्गन है। पर अब ऑक्सीजन और ग्लूकोज को हर एक ऑर्गन तक, हर एक सेल तक पहुँचाना है बॉडी के। यहाँ से आंसर है कि क्यों हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, ताकि जो भी मटेरियल्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज, CO2 और भी कोई भी मटेरियल, कोई भी मॉलिक्यूल्स, उन्हें पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाना है, मूव करवाना है, इसलिए हमें नीड है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। क्लियर है ये चीज़? इसलिए हमें नीड है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, टू मूव द मॉलिक्यूल्स और द मटेरियल्स बिटवीन द सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो अब बात करते हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट है। हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर हैविंग द ब्लड, वी आर हैविंग द हार्ट, ब्लड, हार्ट, एंड द थर्ड थिंग ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। अभी समझेंगे सब चीज़ों को डिटेल में, ब्लड, हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स। तो अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है, हमारा जो ब्लड क्या है, ब्लड इज ए स्पेशल, एक कनेक्टिव टिश्यू है। 9th क्लास में हमने पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड की फॉर्म में है। और ब्लड के दो कंपोनेंट हैं मेनली, प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स। एक लिक्विड है ऐसे जिसको कहा है प्लाज्मा, एक लिक्विड है फ्लोइंग प्लाज्मा जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स है। क्लियर हो रहा है? एक लिक्विड है प्लाज्मा, प्लाज्मा एक तरह से वाटर ही है, वाटर के अंदर डिजोल्व प्रोटीन्स है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, बहुत कुछ डिजोल्व हो रखा है, तो वो चीज़ है प्लाज्मा। और सेकंड, उसी के अंदर है हमारे ब्लड सेल्स अलग अलग तरह के, उसके अंदर है हमारे अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स। और ब्लड के बारे में थोड़ा देखें तो प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा के अंदर वाटर है, प्रोटीन्स है, प्लाज्मा के अंदर हमारे वाटर डिजोल्व है, आयन्स है, प्रोटीन्स है, ये है प्लाज्मा लिक्विड पार्ट। फिर जो सेल्स है ब्लड में, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं हमारे, कौन कौन से सेल्स हैं, RBC रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड द प्लेटलेट्स। देखिए ये डिटेल में इतना नहीं पढ़ेंगे, 9th क्लास का टॉपिक है। वाइट ब्लड सेल आपको पता है इम्यूनिटी देते थे, वाइट ब्लड सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। वाइट ब्लड सेल भी बहुत टाइप के होते हैं, बेसिकली इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी में इनका रोल है वाइट ब्लड सेल का। प्लेटलेट का हम बाद में डिटेल में रोल करेंगे। RBC की बात है तो RBC देखिए बहुत ही न्यूमरस होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत ज़्यादा न्यूमरस है। और RBC के अंदर देखिए, RBC जब मैच्योर होता है, एक मैच्योर RBC का मैच्योर जब हो जाता है, RBC पूरी तरह जब मैच्योर हो जाता है, तो उस सेल के अंदर, RBC के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, RBC के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। यहाँ से एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, नोट कर लीजिए, न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। अब देखिए इससे क्या फ़र्क पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया होने ना होने से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, रेस्पिरेशन याद करिए, रेस्पिरेशन में हमने कहा था एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस में वो टूटता था, पाइरूवेट CO2 में टूटता था, माइटोकॉन्ड्रिया में होती थी। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है मतलब वो पाथवे यहाँ नहीं चलेगा, इसका मतलब यहाँ पे RBC खुद कौन सी रेस्पिरेशन कर रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? देखिए आरबीसी ने ऑक्सीजन कैरी करना है, आरबीसी ने खुद आरबीसी के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर देखिए हीमोग्लोबिन होता है, हमने पहले भी बात करी थी, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, लेकिन वो आरबीसी का काम है उस ऑक्सीजन को पकड़े और पूरे हर बॉडी के सेल तक पहुंचाए। ये नहीं होना चाहिए आरबीसी रेड ब्लड सेल उस ऑक्सीजन को खुद कंज्यूम ना कर ले, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, समझ रही? आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे डिफरेंट सेल तक, खुद ऑक्सीजन को ना कंज्यूम कर ले, ये नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए ये अडेप्टेशन देखे नेचर में कि उसके अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकती, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो वो ऑक्सीजन को सिर्फ डिलीवर करेगा, खुद ऑक्सीजन को कंज्यूम नहीं करेगा। अगर एरोबिक होती है तो खुद ही ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता, इसे ऑक्सीजन कंजप्शन नहीं करना है, इसे ऑक्सीजन को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना है आरबीसी को। तो लिख लीजिए आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, आरबीसी खुद कैसी रेस्पिरेशन करता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और आरबीसी में अपना हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये था बेसिक ब्लड के बारे में, ये था ब्लड के बारे में सब कुछ। अब आते हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में, देखते हैं हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स के बारे में समझते हैं। देखिए हार्ट क्या है? हार्ट इज बेसिकली ए पंपिंग ऑर्गन, इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे। हार्ट इज बेसिकली ए पंपिंग ऑर्गन, सिर्फ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाना है ब्लड को तो उसके लिए पंप चाहिए, पंप है हमारा हार्ट, ठीक है। और ब्लड वेसल क्या है? हमारी पूरी बॉडी में जो एक पाइपलाइन बिछी हुई है, एक नेटवर्क बिछा हुआ है अलग अलग तरह की वेसल्स का, कोई थीक है कोई थीन है, वो पूरा नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का। इवन ह्यूमन बॉडी में इतनी, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में इतनी लंबी ब्लड वेसल्स अगर सबको निकाल के स्ट्रेटन कर दिया जाए तो वो अर्थ की जो सर्कमफ्रेंस है, इक्वेटर, ये अर्थ की इक्वेटर है, अर्थ की इक्वेटर की जो सर्कमफ्रेंस है उससे भी दो गुना, उससे भी ट्वाइस उसकी लेंथ है, समझ रहे हैं? अगर ह्यूमन बॉडी से सभी ब्लड वेसल को निकाल के स्ट्रेट करा जाए, फैलाया जाए, तो उनकी कितनी लेंथ आएगी? उन ब्लड वेसल की लेंथ आएगी अर्थ की सर्कमफ्रेंस से भी ट्वाइस, इतनी लेंथ है, इतनी सारी ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी में। अब कैसे काम कर रहा है, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी में? तीन तरह की ब्लड वेसल्स है, देखिए आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज, आर्टरी, वेन्स एंड द कैपिलरीज। आर्टरी क्या है? देखिए हार्ट से जो ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को ऑर्गन, ये मान लीजिए बॉडी का ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन ले लीजिए, जो हार्ट से ऑर्गन की तरफ जान ली जा रही है ब्लड को, जो हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड को ली जा रही है वो हमारी होती है आर्टरी। जो हार्ट से ऑर्गन की तरफ ली जा रही है ब्लड को वो होती है आर्टरी, होती है आर्टरी, जो हार्ट से ऑर्गन की तरफ ली जाती है, हार्ट से ऑर्गन की तरफ जो ली जा रही है वो है आर्टरी, और ऑर्गन से, किसी ऑर्गन से हार्ट की तरफ वापस जो ब्लड को ला रही है वो होती है हमारी वेन। वेन क्या है? जो ऑर्गन से, किसी ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड ला रही है वो है वेन, समझ रहे हैं? जो हार्ट से दूर ली जा रही है ऑर्गन की तरफ ब्लड वो है आर्टरी, और वेन क्या है? जो हार्ट की तरफ ब्लड ला रही है दैट इज कॉल्ड एज ए वेन। वेन क्या है? जो किसी ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड ला रही है वो वेन है, ठीक है। कैपिलरी रह गई, देखिए कैपिलरी का क्या सीन है, ये मान लीजिए कुछ सेल्स है, बॉडी के सेल्स है, ये बॉडी के सेल्स है, ये बॉडी के सेल्स है, ठीक है। क्या होता है? हार्ट से आर्टरी, हमने क्या कहा, हार्ट से ब्लड को कौन लेके आती है? आर्टरी। आर्टरी लाएगी, अब आर्टरी के आगे बहुत सारी ब्रांचेज हो जाएंगी, बड़ी एक आर्टरी आई, छोटी आर्टरी बनेगी, काफ़ी ब्रांचिंग हो सकती है आगे, और अल्टीमेटली सेल्स के लेवल पे जाके ना आर्टरीज बहुत बहुत फाइन ब्रांचेज हो जाती हैं, आर्टरीज की बहुत फाइन ब्रांचेज, एक्सट्रीमली फाइन, सेल बिल्कुल सेल जैसी थिन, बिल्कुल थिन ब्रांचेज इस तरह से हो जाएगी आर्टरी, सॉरी इनको कहते हैं कैपिलरीज, जो बिल्कुल थिन ब्रांचेज हो जाएंगी उनको हम कहते हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या है? फाइनेस्ट ब्लड वेसल, सबसे पतली ब्लड वेसल्स है कैपिलरी, फाइनेस्ट ब्लड वेसल,
और कैपिलरीज ही हैं जो एक एक सेल तक पहुंचेगी, एक एक सेल को वैस्कुलराइज करेगी, और एक एक सेल सेल और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होना है वो कैपिलरीज के थ्रू ही होएगा, वो कैपिलरीज के थ्रू ही होएगा, क्योंकि बाकी आर्टरीज तो बहुत बड़ी है, वो सेल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। अब जो देखिए कैपिलरी है ना, कैपिलरी की दीवार जो है, वॉल जो है, सिर्फ एक सेल लेयर थिक रह जाती है, ये कैपिलरी की वॉल है। तो इससे जो भी ब्लड न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे सेल और इसके बीच में, ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होना है वो कैपिलरी पर आके होता है, क्योंकि कैपिलरी ही इतनी थिन है, वन सेल थिक लेयर है, फाइनेस्ट जो है सबसे पतली है वो है कैपिलरी। तो इस तरह से कैपिलरीज बीट करती हैं, ठीक है, कैपिलरीज ने प्रोवाइड करा। अब उसके बाद क्या होता है, ये कैपिलरीज रीजॉइन कर लेती है, एक्सचेंज वगैरह हो गया उसके बाद सेल से ये कैपिलरीज रीजॉइन कर लेती है और फिर एक वेन बना देती है। ये कैपिलरीज रीजॉइन करेंगी, फिर बड़ी होएंगी, ब्रांचिंग बड़ी होती जाएगी, उल्टा सेम, पहले थिन हो गए ब्रांचेज हुई कैपिलरीज की, फिर वो कैपिलरीज रीजॉइन हो गई, वेन बना दिया, बड़ी वेन बनती रही और वेन हार्ट तक उस ब्लड को वापस ले आएगी, ब्लड को हार्ट तक वापस ले आएगी, तो समझे, और हार्ट से यहाँ से जा रही थी हमारी आर्टरी। तो समझ रहे हैं बेसिक सर्कुलेशन कैसे होता है, इस तरह से कुछ, हार्ट ने आर्टरी को, हार्ट से ब्लड को कोर कैरी करके ले गई आर्टरी, आर्टरी की ब्रांचेज हुई बहुत ही फाइन, इसके बीच में बहुत ब्रांचेज होती है, दिखाई नहीं है आपके क्लास के लेवल पे, यहाँ पे ब्रांचेज हुई, कैपिलरीज बनी, कैपिलरीज फिर ज्वाइन हुई, उन्होंने ब्लड करेक्ट करा, वेन से फिर हार्ट तक वापस ले गई। तो समझ आ रहा है, आर्टरीज हार्ट से ऑर्गन की तरफ ले जाती है, वेन ऑर्गन से हार्ट की तरफ बैक लाती है ब्लड, और कैपिलरीज आर फाइनेस्ट ब्रांचेज, ठीक है। अब एक चीज़ फ़र्क समझ लीजिए आर्टरीज और वेन्स में, एक और फ़र्क है आर्टरी और वेन में, सॉरी ये डायग्राम वगैरह मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बस समझ लेना, ठीक है, ध्यान से सुना करो, इतना बेकार से डायग्राम बन जाते कई बार, फोकस द कॉन्सेप्ट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फ्लो में कुछ भी बन जाता है। चलिए देखिए आर्टरी और वेन में क्या फ़र्क है, एक ये तो फ़र्क समझ गए आर्टरी और वेन में, एक फ़र्क समझ गए, ये हार्ट से दूर ले जा रही है, वेन हार्ट की तरफ ला रही है ब्लड को। अब क्योंकि आर्टरी हार्ट से ले जा रही है ब्लड, हार्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड है आर्टरी, तो हार्ट पंप करेगा, ब्लड पे प्रेशर पड़ेगा, ऑब्वियसली आर्टरी को प्रेशर झेलना है, तो प्रेशर झेलना है, तो इसकी जो वॉल है, आर्टरी की जो लेयर है, वॉल है, वो थिक वॉल होती है और इलास्टिक होती है, ताकि प्रेशर को झेल सके, फैल सके, इलास्टिक, स्ट्रेचेबल वॉल्स है, इलास्टिक एंड थिक वॉल्स है, आर्टरीज की वॉल कैसी है, थिक एंड इलास्टिक, वेन्स जो है थिन है, वेन्स को प्रेशर नहीं झेलना है, वेन्स को तो ऑर्गन से ब्लड वापस लाना है हार्ट की तरफ, तो ऑर्गन से जो आ रहा है वो तो बहुत लो प्रेशर पे ब्लड है, तो ये थिन होती हैं और वेन के अंदर वॉल्स होती है, वॉल्स कैसी, देखिए मान लीजिए ये एक वेन आ रही है, ठीक है, हार्ट की तरफ, ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड ला रही है, ये है हार्ट, ये है ऑर्गन, ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है, तो इसके पास वॉल्स होती है, इस तरह से वॉल्स क्या है, वॉल्व, वॉल्व्स क्या है ये, तो ब्लड एक ही डायरेक्शन में बहे, ब्लड यहाँ से ऐसे हार्ट की तरफ जाना चाहिए, बैक फ्लो नहीं ना होना चाहिए, देखिए ऐसे ब्लड जा रहा है, वापस नहीं आना चाहिए, बैक फ्लो ना हो, उसके लिए इसके पास होती है वॉल्स, ये वॉल्स दिखाई है मैंने, तो ये वॉल्स बैक फ्लो को बचाती है, बंद हो जाएगा ऐसे, इसी डायरेक्शन में खुल रहा है, अगर ब्लड ऐसे आने लगेगा तो नहीं, बंद हो जाएगा, तो उनके पास वॉल्स का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ ब्लड लो प्रेशर पे फ्लो कर रहा है, तो ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए, लो प्रेशर पे है, पीछे ना फ्लो कर जाए, तो उसके लिए वेन्स के पास वॉल्स होती है। तो वेन्स में क्या फ़र्क है, आर्टरी है थिक वॉल, दे हैव थिन वॉल, इसके इलास्टिक और थिक वॉल्स है प्रेशर झेलने के लिए, इनकी थिन वॉल है और इसके पास वॉल्स है, वॉल्स दोनों अलग अलग चीज़ें, वॉल्स हैं जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। तो ये था हमारा बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम का, कि हमारे पे ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, हार्ट है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हार्ट की प्रॉपर स्ट्रक्चर, फंक्शन, वर्किंग देखेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फ्रेंड्स।